तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ WhatsApp के टॉप 3 न्यू अपडेट के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और इस अपडेट के अंदर कुछ नए फीचर देखने को मिला है तो उस फीचर के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश जलाल, टेक्निकल शैलेश, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ और बहुत ही ये अच्छा ये शॉर्ट फिल्म में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए यहाँ पे 3 या 4 दिन में तो मैं वीडियो ही डाल दूंगा और बहुत जल्द ही मेरा शूटिंग कम्प्लीट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आज बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि WhatsApp के टॉप 3 न्यू अपडेट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि WhatsApp के न्यू अपडेट कौन से है। और उससे पहले मैं एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो अपडेट है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, क्योंकि उस वक्त क्या था वो WhatsApp के बीटा वर्जन में ही अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन आज फाइनली WhatsApp के जो स्टेबल अपडेट वर्जन होता है उसके अंदर ये अपडेट देखने को मिल गया है, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो पहला WhatsApp का अपडेट है वो है WhatsApp एनिमेटेड स्टिकर। एंड के पहले क्या था कि आप ओनली फॉर यहाँ पे स्टिकर ही भेज सकते हैं अपने फ्रेंड को, लेकिन इस अपडेट के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है कि इसके अंदर आपको एनिमेटेड स्टिकर, मतलब यहाँ पे जो प्ले होता है स्टिकर, उस टाइप का आप यहाँ पे स्टिकर आपको को मिलेगा और वो स्टिकर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, और यहाँ पे मैं जो भी अपडेट बताऊँ उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये है WhatsApp का एनिमेटेड स्टिकर। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अगला अपडेट है दोस्तों वो है दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर से लेके, यानी कि WhatsApp जो नंबर होता है, अगर आपको किसी का WhatsApp नंबर ऐड करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसका जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, फिर उसका नेम डालना पड़ता है, फिर आप सेव करते हैं, फिर WhatsApp में जाके आप उसको मैसेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक न्यू फीचर आया है, न्यू अपडेट के अंदर आपको ये न्यू फीचर मिलता है, यानी कि QR कोड जो उनका जो प्रोफाइल होता है, उनका जो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, WhatsApp नंबर जो होता है, उसका एक QR कोड आपको देखने को मिलेगा। और वो QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो उसका जो नंबर है WhatsApp नंबर वो आपके मोबाइल के अंदर आ जाएंगे, आपके WhatsApp के अंदर, और उसको यूजीली यहाँ पे दोस्तों सेव करके आसानी से आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। बट मतलब आपको यहाँ पे नंबर यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तो आपको उसको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे उनके मोबाइल में जो QR कोड होगा, उनका प्रोफाइल का, कॉन्टैक्ट का, वो आपको स्कैन करना है अपने WhatsApp के अंदर से अंदर, वहाँ पे आपको फीचर देखने को मिलेगा और उसके ऊपर मैं यहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है ग्रुप वीडियो कॉल, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हैं ग्रुप के साथ। मतलब यहाँ पे जो लिमिट थी वो अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है और यहाँ पे 8 लोगों के साथ आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रुप में वीडियो कॉलिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, वो भी 8 लोगों के साथ। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर, क्योंकि अगर आपको एक साथ अपने फ्रेंड के साथ इस तरह से बात करनी तो आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 WhatsApp के न्यू अपडेट जिनके बारे में आपको बताया, और इसके ये कैसे काम करता है, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो में कुछ वाला सुझाव तो नीचे कमजोर द्वारा मैं जो दूंगा, और आप हमारे चैनल पर नए तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन प्रेस कर दो हर आने वाली वीडियो की जानकारी को मिल सके। तो बस फ्रेंड, मिलते अगले वीडियो में।